अगली हेडिंग है एन समांतर स्लेटों अथवा समतल विवर्तन ग्रेडिंग, एन पैरेलल स्लेट्स और प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग। चित्र में एन समांतर प्लेट दे रखी है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त तो एन समांतर स्लेटों की व्यवस्था को समतल विवर्तन ग्रेटिंग कहते हैं, जो एक उपयोगी यंत्र है। यानी जो एक क्या है, उपयोगी यंत्र है, इसका प्रयोग हम करते हैं। अतः किसी एक विवर्तन ग्रेटिंग में बहुत सी संकीर्ण प्लेटें, संकीर्ण स्लेटें एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं। वो चित्र में दिखाई दे रहा है S1 S2 समान दूरी पर स्थित है तथा प्रत्येक दो स्लेटों के बीच की निश्चित चौड़ाई का अपारदर्शक स्थान होता है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी के अंदर दूरी है वो क्या होती है, समान है। ग्रेडिंग के तल पर आपतित प्रकाश का स्लेटों से परागमन हो जाता है तथा अपारदर्शक भाग से प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए इसे परागमन विवर्तन ग्रेटिंग भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पारगमन विवर्तन ग्रेटिंग भी कहते हैं। विवर्तन ग्रेटिंग समतल कांच की प्लेट पर हीरक बिंदु से महीन समदुरु समांतर रेखाएं खींचकर बनाई जाती है। यानी बहुत समांतर रेखाएं, बहुत पतली रेखाएं खींचकर बनाई जाती हैं, जो क्या है, समदूर या समांतर भी हो और एक दूसरे से कितनी हो, समान दूरी पर हो। रेखांकित भाग अपारदर्शी होने के कारण प्रकाश का संकीर्ण करता है। यानी जो प्रकाश है वो अपारदर्शी होने के कारण क्या करता है, प्रकाश का संकीर्ण करता है। जबकि दो रेखाओं के बीच का स्थान पारदर्शी होने के कारण प्रकाश का पारगमन करता है। जब दो रेखाओं के बीच का जो स्थान है वो क्या हो, पारदर्शी होगा। जब क्या हो, पारदर्शी होगा तो वो क्या करता करेगा, पारगमन करता है और स्लेट की भांति कार्य करता है, एक स्लेट की भांति कार्य करता है। माना ए बी समतल पारगमन ग्रेटिंग का एक खंड है जो कागज के तल के लंबवत रखा गया है। पारगमित भाग की चौड़ाई ई है तथा डी स्लेटों के बीच की दूरी है। तब ई प्लस लेमडा ग्रेटिंग का अंतराल कहलाता है। यानी ई प्लस और डी को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, ग्रेटिंग का अंतराल कहलाता है। वो दो क्रमागत स्लेटों से ई प्लस डी दूरी पर स्थित बिंदुओं को संगत बिंदु कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी समतल विवर्तन ग्रेटिंग का सिद्धांत या एन समांतर स्लेटों से विवर्तन। माना लेमडा तरंग दैर्ध्य का एक बढ़िया समांतर प्रकाश पुंज स्लेटों पर लंबवत आपतित हो रहा है। यानी एक वर्णीय समांतर प्रकाश पुंज स्लेटों पर लंबवत आपतित हो रहा है, लंबवत आ रहा है। हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्लेट के सभी बिंदु प्रत्येक दिशा में द्वितीयक तरंगिकाओं उत्सर्जित करते हैं। यानी प्रत्येक बिंदु, हाइगेंस ने कहा था कि प्रत्येक स्लेट के सभी बिंदु प्रत्येक दिशा में द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करते हैं। एकल स्लेट पर फ्राइनहोफर विवर्तन के सिद्धांत से किसी स्लेट के सभी बिंदुओं से थीटा कोण पर विवर्तित होने वाली तरंगिकाएं A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा आयाम की एक ऐसी तरंग के तुल्य होती हैं जो स्लेट के मध्य बिंदु से निकलती हैं, जबकि अल्फा बराबर पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा होगा। यदि कुल स्लेटों की संख्या एन हो, यानी हम मान लो स्लेट कितनी, हम कैपिटल एन मान ली, तब सभी स्लेटों से विवर्तित तरंगें उनके मध्य बिंदुओं S1, S2, S3 डॉट जो चित्र में दिखाई गई थी से विवर्तित एन समांतर तरंगों के तुल्य हैं। माना कि S1 के, S2 के पर अवलंब है,
तब S1 और S2 से चलने वाली तरंगों के बीच पथांतर एस टू के इक्वल टू एस वन एस टू साइन थीटा इक्वल टू ई प्लस डी साइन थीटा एस टू के इक्वल टू एस वन एस टू साइन थीटा इक्वल टू ई प्लस डी साइन थीटा इनके बीच कलांतर जो होगा टू पाई अपॉन लेमडा ब्रैकेट में ई प्लस डी साइन थीटा। माना कि टू पाई अपॉन लेमडा ई प्लस डी ब्रैकेट में साइन थीटा की वैल्यू टू बीटा है, तब क्योंकि प्रत्येक स्लेट के कंपनों का परिणामी आयाम ए जीरो साइन एल्फा अपॉन एल्फा है, यानी जो आयाम है वो कितना है ए जीरो साइन एल्फा अपॉन एल्फा है। अतः एन स्लेटों से उत्सर्जित तरंगों का परिणामी आयाम ए जीरो साइन एल्फा अपॉन एल्फा आयाम की एन तरंगिकाओं का परिणामी आयाम होगा। परंतु तरंगों के बीच जो कलांतर कला समांतर श्रेणी में बढ़ रही है अर्थात उच्चिष्ट उभयनिष्ठ कलांतर टू पाई अपॉन लेमडा ई प्लस लेमडा साइन थीटा, अतः सदिश योग से थीटा सभी दिशाओं में सभी स्लेटों का परिणामी आयाम है। तो आर इज इक्वल टू ए जीरो साइन एल्फा अपॉन एल्फा इंटू साइन ब्रैकेट में कैपिटल एन पाई अपॉन लेमडा ब्रैकेट में ई प्लस लेमडा साइन थीटा अपॉन साइन ब्रैकेट में पाई अपॉन लेमडा ब्रैकेट में ई प्लस लेमडा साइन थीटा। इसको सॉल्व किया तो यह आया ए जीरो कैपिटल जीरो है कैपिटल ए है ए जीरो साइन एल्फा अपॉन एल्फा इंटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। तथा तीव्रता आई इजिकल टू आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण एक का प्रथम पद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन अपॉन एल्फा स्क्वायर एक स्लेट के कारण विवर्तन प्रतिरूप की तीव्रता प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरा पद साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर एन स्लेटों के संयुक्त प्रभाव के कारण तीव्रता को व्यक्त करता है। मुख्य उच्चिष्ट यानी प्रिंसिपल मैक्सिमा, मुख्य उच्चिष्ट यानी द्वितीय पद साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा के अधिकतम मान प्राप्त होते हैं। ये अधिकतम मान तब होंगे जब साइन बीटा इक्वल टू जीरो होगा, यानी साइन बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो होगी, तभी क्या होगा ये अधिकतम होगा। तो साइन बीटा की वैल्यू जीरो मानेंगे तो क्या आ जाएगा साइन बीटा बराबर प्लस माइनस के एन पाई, एन बराबर वन टू थ्री डॉट डॉट रख सकते हैं। परंतु तब साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू जीरो अपॉन जीरो होगा अर्थात अनिश्चित होगा इन्फिनिटी होगा। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम हंस और हर को अलग अलग डिफरेंशियल करते हैं। तो इस प्रकार लिमिट बीटा टू एन पाई साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, इसको पूरे को सॉल्व किया तो इनके लिए आई है हमारे पास प्लस माइनस कैपिटल एन। इसकी तीव्रता आई बराबर होगी साइन आई बराबर होगी ए जीरो स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर इंटू कैपिटल एन स्क्वायर। अतः इन उच्चिष्टों की तीव्रता एन स्क्वायर के अनुक्रमानुपातिक अधिकतम होती है, इन्हें मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। ये निम्न समीकरणों से बनते हैं, तो बीटा बराबर प्लस माइनस एन एल्फा, तो बीटा की जो वैल्यू है पाई लेमडा ब्रैकेट में ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, इसको सॉल्व किया तो ई प्लस डी ब्रैकेट में साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लेमडा समीकरण हो गया। ये दूसरा यानी क्वेश्चन क्या आएगी सेकंड वाली, या एन बराबर जीरो वन टू टू रखेंगे तो एन बराबर जीरो के लिए लिखा रहेंगे तो क्या निकलेगा हमें शून्य क्रम का उचित मिलता है। एन बराबर प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री के लिए हमें प्रथम द्वितीय तृतीय डॉट डॉट क्रम के उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, और प्लस माइनस चिन्ह यह दर्शा है प्रदर्शित करते हैं कि एक ही क्रम के दो मुख्य उच्चिष्ट होते हैं जो शून्य क्रम के उच्चिष्ट के दोनों ओर होते हैं।
अगली हेडिंग है मुख्य निम्निष्ट यानी प्रिंसिपल मिनिमा, वो मैक्सिमम कहलाता, अब ये क्या है मिनिमा।